बिल्कुल ये इस तरह के होने चाहिए ताकि लोग जो यहाँ के ऐसे बलूचिस्तान के लोग इतने नहीं हैं तो उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि कौन सी कंपनी किस तरह से अपना डाटा देती है, किस तरह से उनको कितने स्टेप्स बाद उनको कामयाबी जाके मिलती है, तो हमें ये बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। ये एक अच्छा इकदाम है बलूचिस्तान के लिए, फार्मर्स के लिए, खसूसन लाइव स्टॉक के लिए। लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि लाइव स्टॉक है क्या। लाइव स्टॉक का फार्म लगने से कम लोगों में अवेयरनेस आएगी, डेयरी फार्मर्स में अवेयरनेस आएगी और एक बैन अल्कवामी तर्ज की जो है ये यहाँ पे जो है एक्सपो हो रही है, जिसके ऊपर जो है सरमाएदार बाहर से आएंगे, बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं जिनसे डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा फार्मर्स का और जो है डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत ही सूदमंद होगा। सबसे बड़ा मकसद मुझे जो समझ में आता है वो तो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना यहाँ पे। आपने देखा होगा कि ओपनिंग सेरेमनी में हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग थे, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑसेट के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वी हैव फ्रॉम अफगानिस्तान, वी हैव फ्रॉम ईरान, वी हैव फ्रॉम थाईलैंड ऑल्सो। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे लोगों में बड़ी अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, लोगों को भी पता चलेगा और ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी आएंगे। जब इन्वेस्टर्स होंगे तो हालात अच्छे होंगे।